हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। और मैं हूँ आर्यन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओनली कुश्ती। तो गाइस, जैसा को आपको लोगों को पता होगा कि 3-4 महीने से पहलवान प्रोटेस्ट पे आए हुए हैं, तो सीधे तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने इनको, पहलवानों को, सभी को धमकी दी है। क्या धमकी दी है आप? 4 महीने से लगातार, 3 महीने 4 महीने से मुझे गालियाँ मिल रही हैं, और गाली भी कैसी। देखिए, शब्द की मर्यादा देखिए कि मेरा नाम किस प्रकार लेते हैं लोग, किस प्रकार से नाम लेते हैं, और पहले किस प्रकार से लेते थे, आज किस प्रकार से लेते हैं। पहले अध्यक्ष जी कहते थे, नेताजी कहते थे, ब्रजभूषण जी कह सकते थे, सांसद जी कह सकते हैं, अध्यक्ष जी कह सकते हैं, और जिस तरीके से नाम ले करके, क्या मेरे समर्थक नहीं है? आपको पता होना चाहिए, मेरा यहां बैठा हुआ कोई समर्थक इनके ऊपर मुकदमा लिखा सकता है? केवल मैं ही नहीं, मुकदमा नहीं लिखा सकता हूं मेरा कोई, क्योंकि सब आहत हो रहे हैं। आप एक्ट जाकर के देख लीजिए, कानून जाकर के देख लिए, कानून कहता है कि मेरी जगह पर मेरा समर्थक भी जाकर के मुकदमा लिखा सकता है, क्योंकि वो आहत हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने रोक करके रखा है। हमने कहा नहीं, फोन भी आते हैं कि नेताजी हम मुकदमा लिखाने के लिए तैयार हैं। हमने कहा नहीं, उनको करने दो। ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कहा, डायरेक्ट पहलवानों को चेतावनी दे दी है कि हमारे कार्यकर्ता भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं, पर लेकिन हमने उन्हें रोक रखा है। तो गाइज, आपने सुनी लिया है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये बताना, और आप किसके साथ हो, पहलवान के साथ हो या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह जी के साथ हो, कमेंट में बताना आपको कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है, और आप कहां से देख रहे हो मेरी वीडियो, ये कमेंट में बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अगर और भी वीडियो देखनी है तो मैं ऐसी और भी बना सकता हूँ। तो गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। शेयर कर देना सभी लोगों को, अपने साथियों को, पहलवानों को, सभी को शेयर कर देना वीडियो को।